आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप जानते हैं कि गर्मियाँ चल रही हैं और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए अलग अलग ड्रिंक्स का जो है उपयोग करते हैं और खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में किस तरह से हमें खुद को हाइड्रेट रखना है और किस तरह से डिहाइड्रेशन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योगा थेरेपिस्ट डॉक्टर मालवी गुप्ता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा। मालवी, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में ज़्यादा केसेस जो है हमें हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलते हैं कि डिहाइड्रेशन के, हीट स्ट्रोक हो जाना, तो किस तरह से हम इसे निजात पा सकते हैं, किस तरह से इसे हम खुद को क्योर कर सकते हैं और पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट करें ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। हाँ, डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले तो पानी खूब पियो। पानी पीना आपकी डिहाइड्रेशन को कम कर सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं तो एक एक घंटे के बाद पानी की बॉटल अपने साथ ही रखिए, जहाँ पर भी हैं वो पानी पीते रहिए। और साथ ही जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इंटेक रखिए, जैसे इस टाइम पे वाटरमेलन और मस्क मेलन बहुत ज़्यादा इन है, तो आप वो ले सकते हैं। और दूसरा, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अपने फेस को या अपने सर को कवर करके जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन जब है आपको इचिनेस शुरू हो जाती है या फिर किसी की स्किन ड्राई पड़ जाती है, तो आपको उससे भी प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम खुद को बचाने के हमें डिहाइड्रेशन होने लगी है? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको डार्क यूरिन आता है, या फिर कुछ लोगों को इचिनेस होती है, आँखों में प्रॉब्लम होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये काफ़ी अलग अलग सिम्टम्स हैं जिनके साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कई लोगों की स्किन ड्राई होने लगती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ लीजिए आपको डिहाइड्रेशन है। मुंह सूखने लगता है, ये भी एक रीज़न है। मालवी, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, कुछ लोग जूस पीते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम तक का उपयोग जो है वो करते हैं, ऐसे में हमें ये जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्योंकि हम तो खुद को ठंडा करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो चीज़ अवेलेबल मार्केट में हम उसे लें, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें लेनी चाहिए या जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं उनके लिए क्या कुछ लाना चाहिए? जब आपको लगता है आपको डिहाइड्रेशन है, आप नींबू पानी ले सकते हो, जिसको हम शिकंज भी कहते हैं, आप गुल कन ले सकते हो जो इजीली अवेलेबल होता है बाहर भी और आप घर पे भी बना सकते हो। फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखिए, पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, और ये जो भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनको कम लीजिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बाज़ार के जो पैक्ड जूसेस हैं इनको अवॉइड कीजिए, जो भी लेना आप फ्रेश में लीजिए जी। तो मालवी, क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और जिस तरह से हम लोग जो फील्ड में होते हैं, हमने शुरू में बताया कि एक एक घंटे के बाद जो है आपको पानी इनटेक करना चाहिए, तो जैसे हम जैसे लोग जो फील्ड में रहते हैं, अगर उन्हें डिहाइड्रेशन होती है तो वो किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एक ऑप्शनल जो है वो होना भी ज़रूरी होता है। ऐसा है, अगर आपको लगता है कि अभी कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं इस वजह से, तो उसी टाइम पर अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप चीनी और नमक का घोल पानी में करके आप उसी टाइम वो पी लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी हद तक आपको तुम्हारी योगा में हमें क्या कुछ करना चाहिए? योगा थेरेपिस्ट आप हैं, तो हम सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमें ऐसी कौन सी रूटीन में एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमें ये प्रॉब्लम ही ना हो, खुद की प्रोटेक्शन के साथ साथ हम इंटरनली भी जो है स्ट्रॉन्ग रह सके? इसमें ऐसा है कि अगर आपको लगता है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम कराया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। शीतकारी प्राणायाम जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये आपके बॉडी में ठंडक पहुंचाता है जी। तो ये जो इन्होंने बताया कि कौन कौन सा प्राणायाम आप कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, इसके साथ मालवी क्या एक मैसेज आप हेल्दी बरा सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे इस कड़कती हुई गर्मी को देखते हुए? पानी खूब पिए, और जो भी सीजनल चीज़ें हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से गर्मी है और गर्मी से निजात पाने के लिए और गर्मी में हमें प्रॉब्लम ना हो उससे बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, मालवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि सीजनल फूड आप ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल आप ले सकते हैं, ताकि आप हेल्दी रहे और अपने फैमिली को भी हेल्दी रख सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।